देखिए, जिस तरीके से लास्ट जो 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने जितना भी ऑफिसर थे जिनकी नेगलिजेंसी के वजह से उस बेटी के साथ जो क्राइम हुआ उसको वो रोक नहीं पाए, उसके बाद जिस तरीके से रात में अंतिम संस्कार किया गया तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। एज ए विक्टिम साइड से मैं उनके फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी जो डिमांड है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इन्होंने सस्पेंड किया है, हमारी डिमांड ये है कि उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि आज सस्पेंशन है, कल वो फिर बहाल हो जाएंगे और अगेन वो फिर ऐसा क्राइम करेंगे। अगर एक्चुअल में कोर्ट ने ये मैटर जो है वो स्वमोटो कॉग्निजेंस लिया है तो उसका कुछ आउटपुट निकले, इनका टर्मिनेशन हो, तो शायद एक मैसेज कन्वे कर पाएगा कोर्ट कि वाकई में जो आम नागरिक है उसका फंडामेंटल राइट को कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। पहला ये है। दूसरा है कि इस परिवार का सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि आज तो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के लिए हाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया और वो सिक्योरिटी उनको मिल गई है। क्या ये सिक्योरिटी उनको लाइफ टाइम मिली रहेगी, क्योंकि जिस एरिया से ये लोग आते हैं वहाँ पर एक्यूज की जो फैमिली है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिव फैमिली है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका, सारी चीज़ें हैं, तो फ्यूचर में उनके साथ ये इशू हो सकता है कि उस परिवार की सिक्योरिटी का इशू रहे। तो वो परिवार की डिमांड है कि उनको परमानेंट रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में दिया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।